हेलो दोस्तों, मैं धीरज फोटो एडिटिंग में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आइए जानते हैं कि इस प्रकार से फोटो एडिटिंग कैसे की जाए। तो सबसे पहले, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि मेरा न्यू वीडियो आए तो आप सभी के पास पहले चला जाए। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप ऐप में। पीएस टच में आने के बाद से आपको जिस फोटो को एडिटिंग करना होगा उसको सेलेक्ट कर लेना होगा इसमें। उसके बाद से मैं वो फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पहले ही से इस फोटो का बैकग्राउंड कट कर लिया था। अगर किसी को भी बैकग्राउंड कट करने का पता नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए और मैंने वीडियो जो चढ़ाया है उसे देखें। तो चलिए आइए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड इसमें ऐड करेंगे। फ़ोटो लाइब्रेरी में चलेंगे। उसके बाद से जो हमको फ़ोटो चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप सभी को अगर बैकग्राउंड चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं आप सभी को बैकग्राउंड प्रोवाइड करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। इस प्रकार से आपको फ़ोटो चाहिए तो हमें कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाली बढ़िया बढ़िया वीडियो आप सभी के पास चला जाए, पहले आप देख पाएँ, आप अच्छी तरह से एडिटिंग कर पाएँ। काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बैकग्राउंड है मेरे पास। आप कमेंट करिए, आपको सभी प्रकार की बैकग्राउंड मिल जाएंगी। ये रहा हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद से आपको इसको सेट करना होगा। सेट करने के बाद आप अपने फ़ोटो प्रेस करके इसको ऊपर ले जाएं। इसको ऊपर ले जाने के बाद अपने फ़ोटो पे एंड्स में जाकर ट्रांसफार्म पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को छोटा कर लें। छोटा करने के बाद आपको सही वाले क्लिक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से एस पे वाले यहाँ पे क्रॉप कर देना है, क्रॉप इमेज। तो आपको जितना चाहिए उतना रखिए और जितना नहीं चाहिए उतना मत रखिए। क्लिक कर दीजिए एस पे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो मेरे फोटो में जो जो पत्थर जो आगे रखा हुआ है उसको हम ऐड करते हैं। और हमने वो पत्थर वाले फ़ोटो को ऐड कर लिया। अब इसके आगे लगा देते हैं। बढ़िया से आपको एडजस्ट कर लेना होगा, देन फिर क्लिक कर देना होगा सही वाले आइकन पे। उसके बाद से अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना होगा। अपने फ़ोटो को इस वाले लेयर वाले ऑप्शन पे आके अपने फ़ोटो के ऊपर टैप करके एस वाले आइकन पे आकर ट्रांसफर अपने फ़ोटो करना है। और क्लिक कर देना है। इसके बाद अपने बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करके एफएक्स में जाके गार्सियन ब्लर पर क्लिक करना है। गार्सियन ब्लर को आपको ब्लर करके 72 या 70 पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। देखिए कितना शानदार हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो गया। देन हमको स्टोन वाला पे क्लिक करके
एफएक्स में जाके गार्सियन ब्लर पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको भी ब्लर कर लेना है बस, ताकि हमारा फ़ोटो जो है वो शार्प दिखे, और देन क्लिक कर देना है सही वाला ऑप्शन पे। देखिए हमारा फ़ोटो कितना बढ़िया हो लग रहा है। देन उसके बाद से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको सेव प्रोजेक्ट देगा, तो सेव कर देना है फ़ोटो। सेव करने के बाद आपको इस फोटो को आपको गैलरी में सेव करने के लिए आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। इस वाले आप आइकन क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी जो दे रहा है उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद से फ़ोटो पर अपने टच करिएगा। फ़ोटो टच करने के बाद से आपको सेलेक्ट हो जाएगा, ओके का ऑप्शन दबा दीजिए, आपका फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग लाइट रूम में। आइए लाइट रूम में सबसे पहले आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको कंट्रास्ट 8 तक या 10 बढ़ा देना है। हाइलाइट्स को आपको आपने कम करना है। हाइलाइट्स को आपको 45 के अराउंड आसपास रख लेना है। शैडो को आपको इनक्रीज करना है। शैडो आप 50 रख सकते हैं। वाइट को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, और ब्लैक को आप 25 के अराउंड रख सकते हैं। देन उसके बाद से कलर में चलते हैं। कलर में जाने के बाद आपको वाइब्रेंस 15 के अराउंड रख लेना है। उसके बाद से चलते हैं मिक्स कलर में। मिक्स कलर चलने के बाद आपको रेड वाले का सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है 50 या 60 तक। उसके बाद से फेस वाले कलर सेकेंड जो ऑप्शन है उसके जाने के बाद ल्यूमिनस आपको बढ़ाना है 18 या 20, और सेचुरेशन -6 कर देना है, और ह्यू को भी -10 कर देना है। -10 करने के बाद उसके बाद से येलो में आना है। येलो वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको ह्यू को 30% कर देना है। 13% करने के बाद आपको जाना है ग्रीन वाले में। ग्रीन वाले का सेचुरेशन इंक्रीज करना है। ग्रीन वाले का सेचुरेशन इंक्रीज करने के बाद आपको जाना है ब्लू वाले में, इसका भी आपको इंक्रीज कर देना है। इसके बाद से नीले वाले में ऑप्शन में जाने के बाद इसका भी सेचुरेशन आपको 40 के अराउंड रख लेना है। इसके बाद से इस वाले कलर के ऑप्शन जाने के बाद आपको 25 या 26 के अराउंड रख लेना है, और इस वाले कलर में 15 रख लेना है। उसके बाद से डन कर देना है। फिर से चलते हैं हम लोग ग्रेडिंग में। ग्रेडिंग में चलने के बाद शैडो के ऊपर आप टैग करेंगे तो आपका आ जाएगा। आपको ह्यू ले जाना है, शैडो का ह्यू आप लोग इतना सेचुरेशन उसका हो 16 और ह्यू 83। मिड टोन पे आपको ले जाना है वाइट वाले की तरफ मिड टोन पे, और इसका भी सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा देना है मिड टोन में जाने के बाद। आपको जाना है हाईलाइट में। हाईलाइट में आपको जो जो भी कलर आपके आपको रखना होगा, मुझे ये वाइट थोड़ा रखना है तो हम वाइट के जगह पर ले जाएंगे और इसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे। देखिए सेचुरेशन बढ़ाने के बाद उसके बाद आते हैं ग्लोबल में। इसका भी हम लोग थोड़ा वाइट की तरफ ले जाते हैं, सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिए हमारा फ़ोटो हो गया उसी शेप में, और उसके बाद से डन कर देते हैं। डन करने के बाद मिक्स टूल में आके फेस वाले आइकन पे आके थोड़ा अपना फेस का बढ़ा लेना है।
बढ़ाने के बाद से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद से आपको जाना है मास्किंग वाले टूल ऑप्शन में। मास्किंग वाले टूल ऑप्शन पर जाके आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ोटो को जूम करके आपको जहाँ जहाँ चमक देना है अपने कपड़े पे वहाँ वहाँ ब्रश कर लेना है। अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो इधर से इरेज कर लीजिए। ब्रश का साइज छोटा कर लीजिए अपने हिसाब से, एडजस्ट कर लीजिएगा। हमको जहाँ जहाँ फोटो पे इफेक्ट देना है वहाँ वहाँ कर लेंगे। आप कमेंट करिए हम चमक कैसे फोटो पे दिया जाता है उसका भी वीडियो बना देंगे। आप बस सपोर्ट कीजिए। फेस पे कैसे चमक दिया जाता है उसका भी ट्यूटोरियल हम ला देंगे। क्लिक करने के बाद आपको लाइट में जाना है। लाइट में जाने के बाद आपको एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाना होगा। एक्सपोजर बढ़ाने के बाद आपको देखिए शैडो को इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करने के बाद आपको क्लिक कर देना होगा। इंक्रीज करने के बाद आपको जाना होगा ऑटो स्केचबुक में। जिसको नहीं पता फेस स्मूथ कैसे किया जाता है, हमारे वीडियो को देखें पता चल जाएगा फेस स्मूथ कैसे किया जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आप फेस स्मूथ करना तो जानते ही होंगे। चलिए आज का इतना ही वीडियो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।